अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शेफ इन किचन। आज हम कोई कुकिंग नहीं कर रहे, आज हम जा रहे हैं अबाया परचेस करने के लिए। तो चलिए मेरे साथ देखिए मेरी शॉपिंग, मैं किस तरह से अबाया परचेस करती हूँ, मैंने किस तरह के अबाया लिए हैं। यहाँ हम अपनी डेस्टिनेशन पे आ गए हैं। ये सारी ओल्ड मार्केट है और ज़्यादातर बाहरीनीज़ यहाँ पर बहुत आते हैं, लोकल लोग बहुत आते हैं क्योंकि रीज़नेबल रेट होते हैं यहाँ पर, इतना ज़्यादा हाई रेट नहीं होते हैं। अब हम एंटर करते हैं यहाँ शॉप में। आजकल यहाँ पर ट्रेंड में सीक्वेंस वर्क के अबाया चल रहे हैं, यहाँ वाइट पैचेस के एम्ब्रॉयडरी के भी अबायास हैं, कलर्ड अबाया है और सीक्वेंस वर्क के अबाये यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, आजकल बहुत दिखाई दे रहे हैं। स्लीव्स पे पैटर्न बने होते हैं। यहाँ पर एक थिन मटेरियल का अबाया है और ऑर्गेंजा मटेरियल का, बहुत थिन मटेरियल है, कुछ कलर्ड अबाया है। ये एक और एक अबाया लगा हुआ है लेकिन ये बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी है इसमें, तो मुझे ये पसंद नहीं आया, मुझे थोड़ा सा एलिगेंट सॉफ्ट चाहिए था। ये भी एक अबाया है, स्लीव्स पे पूरा सीक्वेंस वर्क है और इसके फ्रंट पैनल भी है, दो इसमें डाले हुए हैं, अच्छा लग रहा था ये, लेकिन इतना भी मुझे नहीं चाहिए था, लाइट सा एम्ब्रॉयडरी अबाया मुझे चाहिए है। ये बाहर डॉल पे एक अबाया लगा हुआ था, इसका बॉटम पे पूरा एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है। ऐसे सॉफ्ट मटेरियल के मुझे अबाया चाहिए थे, सिंपल वर्क के, ये मुझे पसंद आया है तो मैंने ये इसके ऑर्डर दे दिए हैं। उसके बाद मैं गई हूँ अबाया के बाद बखोर परचेस करने के लिए। यहाँ पर मुझे कुछ चारकोल लेने थे और बखोर लेना था। यहाँ पे एक छोटा सा एक लाइटर की तरह से बखोरदानी है, जैसे लाइटर होता है वैसा, इसके अंदर बखोर डाला जाता है, फिर से प्रेस करने पर इसके अंदर ऐश निकलता है। या आप कार में या फिर अपनी बॉडी को फ्रेग्रेंस देने के लिए यूज़ करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसको बॉटम पार्ट में इसके जो लिक्विड फिल किया जाता है इधर, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे, ये मैंने ले लिया है। उसके बाद आगे सारी लाइन अबाया की है, अरबी नाइटीज़ है यहाँ पर, और यहाँ पर सारे चीप रेट में या एक्सपेंसिव रेट में आपको हर तरह के अबाया बहुत इजीली मिल जाते हैं। यहाँ पर एक और एक बुखर की शॉप थी, मैंने वहाँ से भी बुखर ले लिए हैं, ऊद हैं, हर तरह के हैं यहाँ पर, आपका जैसा रेट है आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ये पूरी मार्केट अभी पूरी खाली है कोविड की वजह से। कुछ सनफ्लावर सीड्स लिए हैं मैंने। उसके बाद यहाँ पर अपोजिट में एक मॉल था तो उसमें हम एंटर हुए हैं। यहाँ वेट टिश्यूज़ है, बहुत चीप रेट में थे, मैंने वो ले लिया है। उसके बाद मुझे बखोरदानी लेनी थी जो मेरे पास बहुत ख़राब हो गई थी। यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर रही हूँ, यहाँ पर ज़्यादातर सब फेसेस बने हुए हैं तो वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे छोटा सा सॉफ्ट सा एलिगेंट सा एक बखोरदानी चाहिए, कि मुझे पसंद आया है। उसके बाद ये सारा कैंडल का सेक्शन है, डेकोरेटिव कैंडल है डेकोरेशन के हिसाब से। यहाँ पर फ्रेग्रेंस स्प्रे बॉटल है जो अल्कोहल फ्री है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू होती है इसकी, मुझे बहुत पसंद है, मैं जब भी आती हूँ मैं एक आध पीस उठा लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये खुशबू बहुत अच्छी आती है इसकी, अल्कोहल फ्री है, ये भी मैंने ले लिए हैं। वेजिटेबल सेक्शंस हैं यहाँ पर, हमें कुछ ख़रीदना नहीं है,
बस एक फैमिली फ्रेंड ने राइस का कहा था तो वो हमने उठा लिया है। उसके बाद हम डेयरी सेक्शन जा रहे हैं, मिल्क परचेस करना है। यहाँ टेट्रा पैक का है सारा डिपार्टमेंट, लेकिन हमें फ्रेश मिल्क लेना है। तो यहाँ सारे जूसेस हैं, यहाँ पर सारे चीज़ें डेट देख के लेनी होती है। फ्रेंच फ्राइज है और यहाँ सारे चिकन के पैक बॉक्सेस है, वेजिटेबल है, फ्रोजन आइटम है सारे यहाँ पर। के बाद आ गए हम क्रॉकरी सेक्शंस में। यहाँ पर पूरा ग्लास के सेक्शन है, जार है, ट्रांसपेरेंट, बहुत चीप रेट में है ये। उसके बाद यहाँ पर ग्लासेस है और 1000 के हिसाब से डिज़ाइंस हैं यहाँ पर, स्मॉल साइज में, बिग साइज में। ये भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। उसके आगे है डिनर सेट का सेक्शन। यहाँ पर हमने सेलेक्ट करनी होती है डिज़ाइंस और आपको कितने परचेस करना। उसके बाद आ गए यहाँ पर हम पैन के और कढ़ाई के सेक्शन में। यहाँ पर विद लिड के साथ है, बॉटम भी बहुत इसका थिक है, बहुत अच्छी खूबसूरत डिज़ाइन लग रही है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं परचेस नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे ही बस विंडो शॉपिंग कर रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम आके ले लेंगे इसे, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इस मॉल में आई हूँ, मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है यहाँ का। तो बस आज के लिए इतना ही। इसके बाद हमने बिल पे किया और हम रिटर्न आ गए हैं, अपने घर की तरफ निकल रहे हैं। ये था हमारा फ्राइडे इवनिंग का टाइम, इस तरह हमने स्पेंड किया। और मैं फ़र्स्ट टाइम ब्लॉग बना रही हूँ तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, थम्सअप कीजिए। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।